Hello and welcome to my YouTube channel UGC NET Public Administration. This is the lecture number 4 of the teaching aptitude series. As you all know कि हमने जो है आपके first paper की preparation भी शुरू कर दी है, तो इसका ये 4th lecture है, teaching aptitude हमने शुरू किया है. वीडियो अच्छे लगे तो please like, share and subscribe. चलिए शुरू करते हैं आज का lecture. आज के lecture में हम discuss करेंगे जो classifications होती है teaching की और instructional objectives होते हैं, ठीक है, वो किस तरह के होते हैं और किस किस ने इसमें कितना कंट्रीब्यूशन दिया है. इसमें बेसिकली आपके जो है पहले ब्लूम ने जो है इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस की है टीचिंग की और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की. तो देखते हैं क्या क्या है इसमें. याद रखना आपने ब्लूम, ठीक है, ये एक जो है कॉन्ट्रीब्यूटर है इसमें, ठीक है. इन्होंने इसमें जो है क्लासिफिकेशन की है आपकी टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की. तो पहला है कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या हुआ? इट इज़ बेसिकली कॉग्निटिव जो वर्ड है, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द ब्रेन. ब्रेनली जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं दैट इज़ कॉग्निटिव, ठीक है. तो इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को जब डेवलपमेंट की बात आप करते हो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स को जब आप बढ़ाने की बात करते हो, दैट इज़ रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन. इट इज़ कोर लर्निंग डोमेन्स. एक्चुअली ये जो है एक बेसिक जो लर्निंग डोमेन है, ठीक है, इसमें जो है आपको जो है कॉग्निटिव डोमेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए. तो इसमें कुछ लेवल्स हैं, देर आर बेसिकली 6 लेवल्स. कौन कौन से लेवल है इसमें कॉग्निटिव डोमेन में? पहला है नॉलेज. नॉलेज होती है, ठीक है, नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब टू अंडरस्टैंड, ठीक है, किसी चीज़ को लेके अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन. एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स टू अप्लाई द थिंग्स दैट यू हैव लर्न्ड, ठीक है. एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन अ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन करना ताकि आप उसको समझ सके, ठीक है, एक एक पार्ट को. उसके बाद सिंथेसिस आता है. जब आप उन पार्ट्स को समझ गए, उसके बाद क्या होता है, आपको कंबाइन करना पड़ता है उन पार्ट्स को ताकि आप उसका एक कंसेप्ट बना सके, एक होल में, ठीक है, एक पूरा कंसेप्ट बना सके. नेक्स्ट इज़ इवेल्युएशन. उसके बाद जैसे आपने जो है चीज़ों को समझ लिया पूरी तरह से, कंसेप्चुअल समझ लिया, उसके बाद उसकी इवेल्युएशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. सो दीज आर सम लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ अफेक्टिव डोमेन. इट डील्स विद एटीट्यूड, मोटिवेशन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट एंड वैल्यूज़ एट्सेट्रा. इस डायरेक्टली डील करता है आपकी जो आपका एटीट्यूड कैसा है, आपको मोटिवेशन किन चीज़ों से मिलती है, या आपकी विलिंगनेस कितनी है पार्टिसिपेट करने की, ठीक है, आप वैल्यूज़ को कितना समझते हो, ठीक है, दैट इज़ अफेक्टिव डोमेन. बेटर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. इसमें जो है स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन जो है वो बेटर होती है, ठीक है. तो इसके कुछ लेवल्स हैं, तो 5 लेवल्स हैं इसमें. कौन कौन से हैं? पहला है रिसीविंग. पहले क्या करेगा जो स्टूडेंट होगा, दैट ही विल रिसीव द थिंग्स, ठीक है, ही विल लिसन. रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग का मतलब पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है. उसके बाद वैल्यूइंग आता है. वैल्यूइंग मीन्स कि इन्वॉल्व होना है उसको किसी भी चीज़ में, ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई चीज़ वो समझ रहा है तो उसमें आपने उसने इन्वॉल्व होना है, अपने आप को इन्वॉल्व कर देना है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से उसमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब एक पूरी तरह से उसमें खो जाना, ठीक है. उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स एडवोकेटिंग एन आइडिया, आइडिया को एडवोकेट करना है किसी आइडिया को, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल किसी आइडिया को अगर कोई मानता है, ठीक है, तो उसको एडवोकेट करना, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है. उसके बाद कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन का मतलब यहाँ पे हुआ चेंज वंस बिहेवियर और होल लाइफ, ठीक है. कैरेक्टराइजेशन का होता है कि भाई आप किसी का कैरेक्टर बना रहे हो, ठीक है. कैरेक्टर कैसे बनता है? जब आप किसी का बिहेवियर चेंज करते हो या किसी का पर्सपेक्टिव चेंज करते हो किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, किसी की सोच को बदलना, दैट इज़ कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन. नेक्स्ट जो डोमेन आता है दैट इज़ साइकोमोटर डोमेन. एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स. साइकोमोटर का डायरेक्टली जो है रिलेशन होता है आपके टेक्निकल स्किल्स को एक्वायर करने के से, ठीक है. तो आपने इसको याद रखना कि साइकोमोटर मीन्स रिलेटेड टू टेक्निकल स्किल्स. इसमें कुछ लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं इसके. पहला है इमिटेशन. इमिटेशन मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल्स, स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना, दैट इज इमिटेशन, ठीक है, बताना कि भाई कौन कौन सी स्किल्स है, ठीक है. उसके बाद मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पे हुआ मैनिपुलेटिंग मशीनरी, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा, जो भी मतलब मशीनरी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल है. प्रिसीजन. प्रिसीजन का मतलब हुआ एक्यूरेसी इंक्रीजेस विद प्रैक्टिस. इट मींस दैट कि भाई जो अगर आपने एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ में, ठीक है. उसके बाद आर्टिकुलेशन आता है. आर्टिकुलेशन का सीधा सा मतलब होता है अचीविंग ए डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी. आपने जो भी एक डिज़ायर लेवल रखा होगा एफिशिएंसी का कि हमने जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस लेवल तक एफिशिएंसी ले जानी है, दैट इज़ आर्टिकुलेशन. नेचुरलाइजेशन. नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है एडॉप्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन.
नेचुरलाइजेशन का सीधा सा मतलब इसमें है कि भाई अडॉप्शन करना एक तरह से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, यानी कि जो भी सिचुएशन डिमांड करती है ठीक है उसके हिसाब से जो है चलना, दैट इज नेचुरलाइजेशन। नेक्स्ट, उसके बाद ये तो थी जो ब्लूम ने दी थी क्लासिफिकेशंस, ठीक है। अब आती है क्लासिफिकेशन आपकी टीचिंग की, कौन सी, जिस गगने और ब्रिग्स दो जो है थिंकर्स हुआ करते थे, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इसमें, ठीक है। इन्होंने दोनों ने इसमें दिया है कि कौन कौन से आपके पास डोमेन्स हैं, ठीक है। पहला है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, जो इन्होंने दिया है, इसका जो टाइप्स दिए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में गगने और ब्रिग्स ने, ये आपने याद रखनी है थिंकर्स, ठीक है, कई बार पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला है कंसेप्ट लर्निंग, ऑब्वियस सी बात है ये जो है कंसेप्ट लर्निंग के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। रूल लर्निंग है, रूल को लर्न करना है, किसी रूल एंड रेगुलेशन जो दिए हैं उनको लर्न करना है, समझना है कि क्या क्या है, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी में आता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में क्या क्या आता है, मेथड फॉर वंस ओन लर्निंग, ठीक है। कोई किस तरह से सीखना चाहता है उसका मेथड क्या होगा, वो जो है जो लर्नर है वो खुद अपने आप से जो है देखेगा कि उसके लिए कौन सा सूटेबल है। रिमेम्बरिंग, याद करना, ठीक है। थिंकिंग स्किल्स, सोचने समझने की जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, वो भी आती है आपके कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में। उसके बाद वर्बल इंफॉर्मेशन आती है, वर्बल इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स। कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, उसको जो एक्वायर कर रहा है इंडिविजुअल, दैट इज वर्बल इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मोशंस कैरिड आउट व्हेन द ब्रेन नर्वस सिस्टम एंड मसल्स वर्क टुगेदर। एक कलेक्टिव वर्क होता है आपकी बॉडी का, आपके दिमाग का या आपके नर्वस सिस्टम का, ठीक है। जब आपकी बॉडी, दिमाग और नर्वस सिस्टम एक साथ काम करते हैं, दैट इज मोटर स्किल्स, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम और ब्रेन, ठीक है। उसके बाद एटीट्यूड आता है, आपको सभी को पता है कि एटीट्यूड क्या होता है, इट इज़ एन इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल के अंदर की जो स्टेट है, जो कंडीशन है, या जो भी वो सोचता है, जो भी उसकी पर्सपेक्टिव्स है, दैट इज हिज और हर एटीट्यूड, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये डोमेन्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनके कंसेप्ट को आप क्लियर करें, ठीक है। कुछ और कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम MCQs भी करेंगे इसके, ठीक है। So stay with me for your UGC NET preparation. Thanks for watching. Have a nice day.